वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग इंडियाज चीपेस्ट इलेक्ट्रिकल कार। बिल्कुल दोस्तों, अभी तक जो पेट्रोल सेगमेंट में जो चीपेस्ट कार थी वो थी टाटा नैनो, तो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में भी होने वाली है टाटा नैनो। फिलहाल अभी तक मार्केट में थी महिंद्रा की E20 प्लस जो कि 5.5 लाख से शुरू हो रही थी, तो बिल्कुल टाटा नैनो का प्राइस उससे भी कम रहेगा। इसकी बाकी डिटेल जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, टाटा ऑलरेडी काम कर रही है टाटा नैनो बेस्ड इलेक्ट्रिकल वर्जन पर, और इसके लिए उसने टाई अप किया है जेम ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ, जो ऑलरेडी इनको उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है। जो भी इनके प्रोडक्ट है, उनका जो स्पोर्ट्स मॉडल लॉन्च होंगे आने वाले हैं, जिसको हम जेटीपी बैच के साथ, तो जेटीपी मीन्स जेम टाटा पार्टनरशिप काफी हेल्प कर रही है इसमें। इसके अलावा बात करें दोस्तों टाटा नैनो की, जो हम आज बात कर रहे हैं मेन, तो बिल्कुल इंडिया की चीपेस्ट इलेक्ट्रिकल कार होने वाली है। अभी तक मार्केट में महिंद्रा की 20 प्लस चीपेस्ट थी, 5.5 लाख से इसका बेस प्राइस शुरू होता, तो टाटा का उससे भी कम रहेगा, यानी कि हम कह सकते 5 लाख से इसका बेस प्राइस शुरू हो जाएगा। बात कर दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की, उससे पहले बात करते हैं, ओला ऑलरेडी 400 नैनोज का ऑर्डर दे चुका है अपने हैदराबाद फ्लीट में एड करने के लिए। उसके बाद इसको और बाकी ओवरऑल पूरे ऑल ओवर इंडिया भी और ज्यादा एड किया जाएगा। दोस्तों इसमें टाटा अपनी जो कार का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, उसका शेल है, बॉडी शेल, वो जेम को प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद जेम अपने ही प्लांट पे उसको बाकी उसका असेंबलिंग और जो इलेक्ट्रिफिकेशन वो सब काम अपने बैठ करेगा यहाँ। बट इसका यहाँ पर नाम टाटा नैनो नहीं रहेगा, यहाँ पर इसका नाम जेम नियो के नाम से इसका इस नाम से ये लॉन्च होगी। इसके थोड़ी स्पेसिफिकेशन जो अभी तक डिटेल निकल कर आई है उसकी बात कर लेते हैं। 48 वाट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहेगा, और उससे जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगी पावर 17 किलो वाट की पावर रहेगी, यानी कि 23 एचपी के आसपास पावर प्रोड्यूस होगी, जो अभी तक कंपनी क्लेम कर रही है। दोस्तों इसका वेट भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, पेट्रोल वर्जन नैनो का जहां वेट 636 किलो था, वहीं इलेक्ट्रिकल जो इनका मॉडल है उसका जो वेट है 800 किलो के आसपास रहने वाला है, बिकॉज ऑफ इन बैटरीज के वेट की वजह से। दोस्तों इसके अलावा इसका जो यूएसपी रहेगा इस गाड़ी का, जो टाटा शुरू में ही कंफर्म कर दे, वो थी इसकी रेंज। बिल्कुल दोस्तों सिंगल चार्जिंग में ये 200 किलोमीटर एक चलेगी ऑन सिंगल पर्सन। अगर इस पर 4% प्लस एसी के साथ इसको चलाते हैं तो वो रेंज घटकर 140 के आसपास आ जाएगी। फिर भी दोस्तों इस तरह की गाड़ी के लिए रेंज काफी अच्छी है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है 5 लाख से शुरू होगा इसका। फीचर्स भी आपको ज्यादा हाई फाई नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल जिस हिसाब का इसका प्राइस है फीचर्स हमें ज्यादा हाई फाई बेसिक फीचर्स मिलेंगे, पावर स्टेयरिंग, एसी, फ्रंट पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, बस इस तरह के फीचर्स हमें मिलेंगे, ज्यादा हाई फाई हाई एंड फीचर्स यहां पर मिलने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।